ये नए साल पर जश्न की तैयारी थी। जाम पर जाम छलकाए जाने थे। शराब की अच्छी खासी खेप पटना के बॉर्डर को लांग भी चुकी थी, लेकिन पटना पुलिस ने माफियाओं के इस रंग में भंग डाल दिया। पटना सिटी के बाईपास थाना पुलिस ने शराब की इस खेप को पकड़ा है। दरअसल नए साल पर जश्न की तैयारी चल रही है, ऐसे में पुलिस भी शराब को सूंघने में लगी है। मंगलवार की देर रात करीब 2:30 बजे बाईपास थाना इंस्पेक्टर मुकेश पासवान और उनकी टीम मुस्तैद थी, तभी मिश्रा पेट्रोल पंप के समीप एक पिकअप को रोका गया। जांच के दौरान इस पिकअप पर शराब के 88 कार्टून लदे मिले। पटना सिटी के SDPO ने बताया कि नदी थाना इलाके के भगवान राय को इस शराब के साथ पकड़ा गया है। वो पिकअप पर लदी शराब को डिलीवर करने से पहले ही पकड़ा गया। कल रात में जब चेकिंग चलाई जा रही थी, तो चेकिंग के क्रम में एक पिकअप को रोका गया, उसको चेक किया गया, तो उस पिकअप में 88 कार्टून इंपीरियल ब्लू शराब बरामद हुई है। और जो पिकअप चालक जो था, वही पिकअप मालिक भी था, भगवान राय, उसको गिरफ्तार किया गया। जी, पूछताछ के दौरान क्या पता चला? ये खेप जो कहीं ले जा रहे थे पहुंचाने के लिए। हाँ, उसने अभी तक तो कोई स्वीकार नहीं किया है कि कहाँ ले जा रहे थे। उसका कहना था कि हम एक व्यक्ति हमसे संपर्क करता और हम उसको ये देते। नए साल में इसे छुपाने की तैयारी की जा रही थी? नए साल में हम लोग लगातार वाहन चेकिंग अभियान चला रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं, उसी क्रम में ये बरामद हुआ है, ये आगे भी जारी रहेगा। ये शराबियों के लिए भी धरपकड़ की जा रही है? हाँ, मशीन से जांच हो रही है। बाईपास थाना पुलिस की इस कार्रवाई के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है। अब इस तस्कर के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। रिपब्लिकन न्यूज पटना। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।